गुड इवनिंग राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे एकदम। हम भी बढ़िया है। तो वही दिन है, शुक्रवार का है और तारीख मैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ। 3 नवंबर है और दिन शुक्रवार का है और शाम के बज गए हैं 5। अभी एग्जैक्ट मैं अपने वही कपड़े वपड़े धो के फ्री हुई थी तो मैंने सोचा चलो भाई, बच्चों की जो ये ट्रॉली है ये थोड़ी सी गंदी हो गई थी, बहुत दिनों से धोई नहीं थी तो बहुत ज़्यादा गंदी सी मैल लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो भी धो देते हैं। और यहाँ पे हम भाई माँ बेटा अपना लग गए थे अपनी ट्रॉली को धोने के लिए। और लड्डू बोल रहा था मम्मी ब्रश के साथ इसको रगड़ो, ये ऐसे बोल रहा था। तो मैं यहाँ पे भाई अपना गर्म पानी ले आई थी, गर्म पानी में मैंने डाल लिया था सरफ और अब इससे मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के अब इसको साफ कर देती हूँ यहाँ पे। लेकिन मेरे को नहीं पता था भाई इतना टाइम लग जाएगा। मैं इसको 5 बजे के करीब लगी थी लेकिन जब मैं इसको धो के उठी ना 6:45 बज गए थे, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था इसको धोने में रगड़ने में। तो वैसे भाई अच्छा रिजल्ट निकल के आया था, मतलब दिल खुश हो जाता है काम करके। तो अगले दिन जब देखा ना भाई इसको, मतलब चमचमा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी मेरे मन में भाई, इतनी सुंदर हो गई है। ये थोड़ी सी मतलब गंदी हो गई थी जब से इस्तेमाल कर रहे थे ना, एक बार भी नहीं धोया था मतलब इसको। तो अब वैसे इसको इस्तेमाल तो करना है, तो सोच रही हूँ मैं अभी ना इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। अभी तो बच्चों को चाहिए नहीं, अभी कहीं जाते नहीं है बाहर घूमने के लिए, तो मैं अभी इसको ना फोल्ड करके यहाँ पे रख दूंगी। इसी जिंदगी में ना हमको डिसाइड करना होता है कि हमें खुशी कैसे मिलेगी। अगर हम ऐसे सोचते भी ये हमारी जिम्मेदारी, अगर इस तरीके से हम ऐसे काम करते तो हमें इतनी मतलब खुशी महसूस नहीं होती भी, ये भी करूँ, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, वो भी करूँ, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, मतलब सारी ही चीज़ मेरी ही जिम्मेदारी है, क्या और कोई नहीं है घर में? तो इस चीज़ को मतलब इग्नोर करना चाहिए हमें, बस ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर हम ये सोच के अगर हम अपना काम करते तो हमें रियलिटी में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो काम है मतलब बहुत खुशी के साथ करते तो बहुत अच्छे से तरीके से भी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपना काम है जो मन लगा कर भी करना चाहिए, जिससे हमें और हमारे दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मेरा आज दिल कर रहा था इसको धोने का तो मैं लग गई थी भाई इसको अपना धोने में। तो भाई यहाँ पे गाड़ी को अच्छे तरीके से धो दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सर्फ था तो काफ़ी टाइम लग गया था इसको सर्फ निकालने में भी, और अच्छे से लास्ट में छत को भी धो दिया था। अभी को छत पे ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई थी सर्फ की वजह से, पैर रखते थे ना तो फिसलने का डर था, तो छत को भी मैंने मतलब पानी से धो दिया था। झाड़ू नहीं लगाई थी, वैसे ही मतलब पानी डाल के ही धो दिया था ताकि कोई जैसे छत पे आए तो मतलब फसल के गिर ना जाए। तो भाई उसके बाद मैं आ गई थी भाई अपना किचन में अपना खाने की जो मेरे को तैयारी करनी थी। आज मैं बताती हूँ भाई, मेरे को आज बनाने थे नमकीन चावल तो मैं उसी तैयारी में यहाँ पे भाई लग गई थी। तो सबसे पहले जो मेरे भाई सामान था, जो मेरे इंग्रेडिएंट थे मेरे, मैं उनको भाई अपना मैंने यहाँ पे कट कर लिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्च, साथ में जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ आलू गाजर शिमला मिर्च गोभी, तो उनको भी मैंने सबको सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे कट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने भाई अपना ले लिया था अपना प्रेशर कुकर, उसमें अपना भाई घी डाल दिया था। और जब मेरा घी हल्का गर्म हो गया था तो इतना मैं अपनी मेहंदी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो चलो भाई यहाँ पे घी भी अपना गर्म हो गया था, तो उसके बाद मैंने अपना भाई जीरा डाल दिया था। और जब जीरा मेरा अच्छे से चटक गया था तो उसके बाद मैंने अपने प्याज को भी डाल दिया था। और जब मेरे प्याज जो हल्के ब्राउन रेडिश कलर के हो गए थे, तो उसके बाद जो टमाटर हरी मिर्च है कट किए हुए छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको भी फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था। और उसके बाद अच्छे से यहाँ पे इनको सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से तरीके से मिला दिया था। और भाई मिलाने के बाद जो उसके बाद जो हम मैं बेसिक मसाले इस्तेमाल करती हूँ जैसे हल्दी नमक मिर्च, तो वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ। लास्ट में मैं यहाँ पे भी मैगी मसाला भी इस्तेमाल करती हूँ जो जिससे ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इनमें मिला दिया था और उसके बाद अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद जो जो सूखी सब्जियाँ थी उनको भी मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके 2-3 बार, पहले ही मैंने काट कट करने से पहले ही मैंने ना इनको अच्छे से धो लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे भी मैंने सारी अपनी सब्जियों को यहाँ पे अब इसमें मिक्स कर दिया था। यहाँ पे आज है ना मेरे पास एक नींबू नहीं था, हाफ नींबू मैं इसमें डालती हूँ। नींबू डालने से ही होता है जो चावल होते हैं हमारे मतलब अलग अलग हो जाते हैं, चिपकते नहीं आपस में। तो आज मैंने बिना मतलब नींबू के ही मिलाए थे लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बने थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सब्जी मैंने इसमें अच्छे से डाल दी और अच्छे से इसको मिला दिया है। आप चाहो तो इसमें बस ऐसे भी सब्जी भी बना सकते हो लेकिन मेरे को तो भाई चावल बनाने थे, तो भाई लास्ट में फिर मैंने अपना भाई चावल को यहाँ पे इसमें अच्छे से डाल के अच्छे से मिला के रख दिया था। और लास्ट में सिर्फ मैंने इसमें 2 सिटी दी थी और ये मतलब बहुत अच्छे से खिलखिले से अच्छे तरीके से ही बने थे। और यहाँ पर मैंने जैसे 1 गिलास
गिलास पानी लिया था उसके अकॉर्डिंग ही, तो फिर मैंने दो गिलास मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे एक गिलास चावल थे तो दो गिलास पानी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे मेरे चावल है बिरयानी टाइप बन के यहाँ पे रेडी हो गए थे। और यहाँ पे भी मैंने अपना जो मेरा प्रेशर कुकर है उसको मैंने बंद कर दिया था, तो अभी मेरा इतना चावल बनेंगे थे बन रहे थे, तो मैंने सोचा चलो भाई फटाफट से अपने किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो छोटा छोटा काम होता है ना उसको साथ साथ में अगर हम निपटा देते तो हमारा काम है जो बहुत जल्दी हो जाता है और हमारा जो किचन है मतलब साफ़ सुथरा ही नज़र आता है। तो इतना मेरे चावल बन रहे थे तो मैंने फटाफट से जो मेरे बर्तन थे उनको भी वही मैंने फटाफट से अपना अच्छे से वॉश करके रख दिया था, और यहाँ पे भी मेरे चावल भी मतलब बनके तैयार हो गए थे, उनमें सीटी भी आ गई थी। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी मस्ती चल रही थी माँ बच्चों की, बेटा बेटी की, मम्मी के साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत खेलने के बाद, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई चावल अभी जो कुकर था वो मेरा खुल गया था तो मैं थोड़े से चावल ले आई थी, और इसी के साथ मैं अभी यहाँ पे अपने बच्चों को भी थोड़ी सी पेट पूजा करा देती हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था। तो जैसे जो घर पे मैं चीज़ बनाती हूँ वही मैं अपने बच्चों को देती हूँ, कभी कभार हो जाता है स्पेशली मैं बनाती हूँ इनके लिए, वरना तो जैसे जो चीज़ भी घर पर बनती है ना वही देती हूँ, ये नहीं है कि भाई जैसे कुछ भी अलग चीज़ है जैसे मैश करके देती हूँ या जैसे बॉयल करके देती हूँ, वो भी देती हूँ कभी कभार, लेकिन जो जैसे डेली हम जो चीज़ें खाते हैं ना वही चीज़ें हमें बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करवाने चाहिए, ताकि बच्चों को ना बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने ना एक बार देखा था एक बच्चे को ना, जैसे उसकी मदर है ना मतलब बार बार मतलब ग्राइंड करके उसको खिलाती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना तो उसको ना मतलब पिसा हुआ पिसी हुई चीज़ ही पसंद आती थी, लेकिन उसको ना चबाना आता ही नहीं था, भाई चबाते कैसे है। तो मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही हो जाता है, तो इसलिए ना अपने बच्चों को जैसे चीज़ें हम खाते हैं ना वैसे ही उनको खिलानी चाहिए, तो अच्छे से हमारे बच्चे ना अच्छे से उनका विकास हो पाता है इस तरीके से, और उनको ना जैसे कुछ चीज़ें ये नहीं होती कि आती नहीं है तो वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से कैच कर पाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आ गई थी अपने अंदर भाई रूम में, और यहाँ पे मेरे बेटे को भी भूख लगी थी, और वो देख के ना भागा भागा आ रहा था मेरे पास, भाई मम्मा चीज़ ले आई है और मेरे को खिलाएगी चावल, लेकिन इसमें ना मैंने मिर्च डाली थी तो थोड़े से तीखे थे, लेकिन गुड़िया को तो मैं सिर्फ आलू आलू या गाजर ही मतलब छाँट छाँट के दे रही थी, उसने तो खा लिए थे, लेकिन मेरा बेटा वो मिर्च जो मतलब बहुत ज़्यादा कम खाता है तो वो थोड़ा सा नखरे कर रहा था खाने में, लेकिन उसको थोड़ा सा चरचरे लग रहे थे, तो लास्ट में मैंने ना उसको दही के साथ थोड़े से खिलाए थे, बस उसने थोड़े से खा तो लिए थे खैर, लेकिन इसका ना अच्छे से पेट नहीं भरा था, खा लिए थे। और यहाँ पे भी चल रही है बच्चों की पेट पूजा, तो भाई यहाँ पे खाना वाना हम मतलब बच्चों ने अपना खा लिया था, तो मैंने अभी फ़िलहाल खाया नहीं था, तो सोचा चलो भी थोड़ी सी मस्ती वगैरह कर लेते, तो यहाँ पे बच्चे अपना टीवी देख रहे थे और मैं अपने बच्चों के साथ अपना मस्ती में कर लग गई थी, वरना ना ये बहुत ज़्यादा टाइम ना टीवी देखने में स्पेंड करते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं इनके साथ जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ ना जो मैं चीज़ें करती हूँ तो वही बच्चे करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने इनको मतलब अपने आप से ही ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ, टीवी या फ़ोन से थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता भी देना पड़ जाता है या टीवी जैसे चलाना पड़ जाता है तो होता भी ऐसा भी कुछ, तो इस वजह से तो यहाँ पे भी हम मस्ती चल रही है हमारी माँ बेटे की, लेकिन जब भी हम खेलते ना तो मेरा बेटा ऐसा बोला है मम्मी घोड़ी बनो घोड़ी बनो, मैं आपकी कमर पे ना बैठूँगा तो ये मेरे को ना घोड़ी बना के ही खेलता है, तो इसको ना बहुत अच्छा लगता है ये गेम, ये मोस्टली मेरे साथ यही खेलता है, और लेकिन जैसे मेरी गुड़िया है ना वो देखती है, अब उसका भी जैसे मन करता भी भाई भाई बैठा है तो मैं भी बैठूँगी, तो वो भी भागी भागी आती है, लेकिन मेरा बेटा ना उसको गिरा देता है बार बार, भाई तेरे को नहीं बैठना मैं ही बैठूँगा, बस इनकी छुटमुट शरारतें मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बस यही जो बचपन होता है मतलब जितनी भी परेशानी होती है माँ बाप की मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रहता है इस टाइम पे भी, बस मस्ती ही रहती है बच्चों के साथ, तो यहाँ पे मतलब कुछ क्या है घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं क्या सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, तो कुछ भी उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता, सिर्फ यही हमारी दुनिया यही हमारा संसार है, इनके साथ ही हम अब इतना मतलब घुल मिल जाते हैं कि कितनी भी परेशानी है हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो भाई मेरे साथ तो भी ऐसा ही होता है, मतलब कई बार हो जाता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, क्यों काम बैलेंस नहीं हो पाता,
लेकिन जब इनके साथ खेलती हूँ ना, तब तो मतलब हर टेंशन हर परेशानी से मैं कोशिश दूर चली जाती हूँ। और वहीं बच्चों का यही बचपन होता है जो मतलब दोबारा मुड़ के नहीं आते, इसलिए बच्चों के साथ जितना हो सकता है ना मतलब टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए। और जितना कुछ हो जाता है ना, बच्चे जो होते हैं वो हमसे देखकर ही सीखती है, इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा सा भाई आपसे प्यार प्रेम का ही व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन भाई खुद मैं कई बार मेरे साथ हो जाता है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो चलो भाई करती है मैनेज, ऐसा तो छोटे मोटे चलती ही रहती है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे चल रही है हमारे भाई मम्मी बच्चों बेटा बेटी की मस्ती। और भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम खेलने के बाद जैसे इनके पापा जी जब आए थे लेकिन इनके पापा जी को बाहर जाना था बर्थडे पार्टी में, तो जैसे आए थे तभी के तभी मतलब बाहर की बाहर ही चले गए थे, अंदर तो थोड़ी सी देर ही मतलब कुछ सेकंड ही आए थे। तो लड्डू भी पापा जी के साथ ही चला गया था, तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सुला दिया था, क्यों काफ़ी टाइम हो गया था, पेट भी इसका भर गया था और ये अपना भी खेल वेल भी ली थी, तो यहाँ पे ना ये आराम से मतलब सो गई थी। तो इसके सोने के बाद मैं सोच रही थी भी क्या करूँ क्या नहीं, तो कुछ कपड़े थे फोल्ड करने वाले, तो मैंने उनको फटाफट से यहाँ पे सबसे पहले तो भाई अपना फोल्ड कर दिया था और कुछ प्रेस के थे, तो भाई यहाँ पे मैं लग गई थी उनको प्रेस करने में, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जैसे हम रात को इनको ना समेट के रख देते हैं, तो सुबह ना हमारी आधी से ज़्यादा परेशानी ना वो सॉल्व हो जाती है, अभी प्रेस नहीं हुई है कपड़ों को या प्रेस करनी है, तो ये मतलब ये कुछ चीज़ें होती है जो मतलब भाई यही चीज़ होती है, जैसे हम रात को इनको अगर प्रेस करके रख देते हैं ना, सुबह हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन है जो ख़त्म हो जाती है, ये झंझट ख़त्म हो जाता है, अभी प्रेस करनी है प्रेस नहीं हुई मिलेगी या प्रेस करनी है, तो मतलब सुबह का बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता है, तो इसलिए रात को ये काम हमें करके रख देने चाहिए। तो यहाँ पे भी फटाफट से मेरा अपने प्रेस व्रेस कर लिए थे, और जैसे ये बर्थडे पार्टी में गए थे तो उनके आने को ना मतलब एक डेढ़ घंटा आराम से लगता, तो मैंने सोचा चलो भाई मेरे फ्रिज पे भी मतलब बहुत सारा झुंड भरा पड़ा था, कभी कुछ बहुत सारी चीज़ें रखी थी, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई फ्रिज को भी अपना क्लीन कर देते हैं, तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें एक टोकरी में डाल के रख दी थी, और उसके बाद आराम से बैठ के तसल्ली से देखा भी क्या चीज़ काम की है क्या नहीं, तो उनके बाद जो काम की नहीं थी उनको वेस्ट मटेरियल में पैक डस्टबिन में डालना था, तो मैं इनको आराम से पहले तो मैंने सभी सारे अपने फ्रिज को खाली कर लिया था, उसके बाद मैंने सोचा चलो भी डस्टिंग भी कर देती हूँ, तो साथ साथ में थोड़ा सा फ्रिज चमचमाता ही रहता है, अगर नहीं करते तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, क्यों डेली रूटीन में हमारा इस्तेमाल होता है और कैसे वैसे हाथ हैं जो लगते ही रहते हैं, इसलिए ना मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का भी हाथ अगर फ्रिज पे क्लीनिंग का कर देते तो हमारा फ्रिज साफ़ सुथरा हो जाता है। तो आप देख सकते हो इतनी सी मेहनत से इतना सुंदर लग रहा है, वैसे इसकी पॉकेट में भी अभी बहुत सारा सामान है जो मेरे को अभी क्लीन करना है, अभी तो मैंने सारा सामान ना साइड में रखा है, अभी मैंने देखा नहीं है क्या क्या है, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ फिर मैं बाद में समेटूंगी सारे काम को, तो इतना मैंने अपना भी फ्रिज का ये काम अपना काम निपटाया था, तभी मतलब थोड़ी देर बाद इनके पापा जी आ गए थे, तो उसके बाद भाई मैंने अपना भी खाना वाना लगा लिया था, तो अभी ये फिलहाल बच्ची अपने पापा जी के साथ खेल रहे थे, इनके पापा जी कुछ मतलब खाने के लिए कुछ लेके आए थे, तो ये अभी पापा जी के साथ अपना खेल रहे थे, तो उसके बाद अपना भी खाना वाना खाया, तो उसके बाद अपने किचन को भी मैंने अपना फटाफट से क्लीन कर दिया था, बर्तनों को भी मैंने फटाफट से क्लीन कर दिया था, और साथ में इनके पापा जी जैसे कुछ ये मूली टमाटर वैसा वगैरह लेके आए थे, सब्जी तो नहीं लेके आए थे बस टमाटर और मूली जैसे एक सब्जी लेके आए थे गोभी की, तो मैंने इनको भी मैं लग गई थी अपना धोने में, और जो ये मूली के छिलक होते हैं तो मैंने इनको भी अलग करके ही रख दिया था, बिकॉज है ना मतलब बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है ये, इनको कहीं पर रखती हूँ तो मैंने इनको ना थैली में डाल के अलग से ही रख दिया था ताकि गाय वगैरह खा लें इनको, और यहाँ पर मैं इनको ना अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके टोकरी में डाल के रख दूँगी, और अगले दिन इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, अभी तो यहीं पर ही रखे रहेंगे,
लास्ट में भी यहाँ पर टोटली मेरा सारा जो काम था क्लीनिंग का, किचन क्लीनिंग का, नाइट किचन क्लीनिंग का, वो भी मेरा टोटली सारा क्लीन हो गया था। लास्ट में मैंने अपने बिजली गैस को थोड़ा सा भी अच्छे से यहाँ पे वॉश कर दिया था, बिकॉज है ना लास्ट में यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया था ना, वो थोड़ा सा निकल गया था, तो थोड़े से दाग धब्बे लग जाते हैं भाई। और जैसे हम रात को अपनी गैस वैस को भी साफ करके रख देते हैं ना, तो सुबह टेंशन नहीं होती भी क्या करना है क्या नहीं। कई बार मेरे साथ हो जाता है जैसे बर्तन बर्तन मेरे भाई, कई बार होता है जैसे बर्तन रह जाते हैं रात को ही, तो सुबह उठ के भी सिर दर्द हो जाता है ये भी। अभी इसको भी करना और काम तो करना ही करना, साथ में रात वाले बर्तन भी है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे हम रात को ही करके इनको अगर करके रख देते हैं ना, तो सुबह आधे से ज़्यादा परेशानी है जो हमारी सॉल्व हो जाती है। जैसे मैंने अपने कपड़े वपड़े को प्रेस कर दिया, कपड़े भी मेरे समेट गए, और किचन क्लीनिंग का भी मैंने अच्छे से किचन विचन साफ कर दिया। अगर जैसे सुबह उठ के जैसे मैं किचन में आऊंगी ना, तो मतलब मेरे को अपना किचन है साफ सुथरा ही नजर आएगा, जिससे माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर जैसे बिखरा बिखरा पड़ा आता है तो फिर होता भी ये भी करना है, तो इसलिए रात को अगर ये कुछ ऐसी चीजें होती है भी, अगर हम रात को ही करके सो जाते हैं, तो हमारा मॉर्निंग है बहुत ही मतलब एनर्जी से ऊर्जावान भरा होता है। तो भाई लास्ट में अभी यहाँ पे बच्चे, मैं फ्री हो गई थी तो यहाँ पे बच्चे अपना टीवी वगैरह देख ही रहे थे, और ये मेरी गुड़िया है मेरे को देख के स्माइल पास कर रही थी। आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।